बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब पर एक बार फिर हौसी बागियों ने हमला कर दिया है। हिजाज मुकद्दस पर ऊपर तले मिजाइलों की बारिश कर दी गई। ड्रोन्स के जरिए भी ऑयल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से सऊदी सरजमीन बड़ी तबाही से बाल बाल बच गई। हमले के बाद जद्दा की फिजा सर जोरदार धमाकों से गूंज उठी और आसमान पर धुएं के बादल छा गए। सऊदी अरब पर यह हमला ऐसे मौके पर किया गया जब जद्दा में तारीख में दूसरी बार सऊदी अरेबियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस एतवार से शुरू होने वाली है। इस हमले की जिम्मेदारी हौसी बागियों ने कबूल कर ली है। अब जब हौसी बागी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं तो जहन में ये सवालात सर उठा रहे हैं कि इस हमले का हदफ क्या था। क्या हौसी बागी सिर्फ ऑयल तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे या सऊदी अरब में होने वाली इंटरनेशनल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस के इवेंट को सबोताज करना चाहते थे। इन हमलों ने कितनी तबाही मचाई। मुकद्दस सरजमीन को खून में नहलाने के पीछे कौन है? क्या सिर्फ हौसी बागियों ने यह हमला किया या फिर आलमी ताकतें भी मुलविस हैं? इन तमाम पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिक्र करते हैं अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का। नाज़रीन अकराम, ये अरब इत्तेहाद वही है जो यमन में मंसूर हादी की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद हौसी बागियों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल फौज बनाई थी। इसकी सरबराही पाक फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को सौंपी गई थी। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्कीउल मालिकी ने कहा कि जुमे को 5:25 पर जद्दा शहर में अरामको के पेट्रोलियम मसनुआत के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हमला हुआ। उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि यह हमला हौसी बागियों ने किया जिन्हें ईरान की सरपरस्ती हासिल है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि हमले में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के 2 टैंकों में आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हौसी बागी सऊदी अरब की तेल तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। उनका सारा जोर तेल की रसद और आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होना है, लेकिन वो अपने नापाक अजायम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन कराम, ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब में तारीखी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस शुरू होने वाली है, उस वक्त सऊदी अरब सरजमीन पर मिसाइलों की बारिश करना और ड्रोन हमले करने के पीछे एक बड़ी साजिश दिखाई देती है। ये कार्रवाई बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे साल 2009 में पाकिस्तान के दिल लाहौर में की गई थी, जब दहशतगर्दों ने टेस्ट मैच के लिए स्टेडियम जाने वाली श्रीलंकन टीम पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से श्रीलंकन टीम उस हमले में बच गई थी। आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पुराना हरबा आजमाया, लेकिन अब की बार निशाना सऊदी सरजमीन को बनाया गया। इन हमलों का मकसद सऊदी अरब में होने वाली उस तारीखी रेस को सबोताज करना लगता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन सऊदी अरब भी डट गया है और इंतजामिया का कहना है कि रेस का इवेंट हर सूरत मुनक़िद होगा और आयल तंसीबात को निशाना बनाने वालों को जमीन की तह से भी ढूंढ निकालेंगे। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्कीउल मालिकी ने कहा कि सऊदी अरब के फिजाई दिफाई निज़ाम ने हौसियों के 16 हमले नाकाम बनाए, तमाम के तमाम ड्रोन और ब्लास्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। उन्होंने ईरान को इल्ज़ाम देते हुए कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द यानी हौसी बागियों ने ड्रोन हमलों की कोशिश की, लेकिन उन्हें सऊदी अरब में घुसते ही मार गिराया गया, जबकि बाकी मिसाइलों को भी नाकाम बना दिया गया। लेकिन एक मिसाइल ऑयल डिपो पर लगा जिसके नतीजे में वहां आग लग गई। सऊदी सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि हौसियों ने पहला हमला जुमे की सुबह किया, 6 बारूद बरदार ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया गया। दोपहर को 3 बारूद बरदार ड्रोन भेजे गए, उन्हें भी हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। सऊदी दिफाई निज़ाम ने जेजान शहर पर ब्लास्टिक मिसाइल और नजरान शहर पर बारूद बरदार ड्रोन्स को भी हदफ तक पहुँचने से पहले तबाह किया। ब्रिगेडियर नूरिल मालिकी ने कहा कि मुमलिकत के जनूबी वस्ती और मशरकी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई जिन्हें नाकाम बना दिया गया। हौसियों के हमलों से जद्दा शहर की मामूल की जिंदगी मुतासर हुई और ना ही इन हमलों से कोई फर्क पड़ा है।
हौसी मलेशिया जारहाना हमले करके सूरत हाल को गंभीर बनाने की कोशिश कर रही है और तवानाई की रसद में खलल पैदा करके आलमी मईशत को मुतासिर करने के दरपे नजर आ रही है। अरब इत्तेहाद ने हौसी बागियों के हमले नाकाम बनाने की वीडियोस भी जारी कर दी हैं। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि जैसे ही ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरब की हुदूद में दाखिल होते हैं, सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उन्हें फिजा में दाखिल होते ही तबाह कर दिया। सऊदी अरब की जानिब से जारी की जाने वाली उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हर जानिब बस यही चर्चा है कि सऊदी अरब के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने एक साथ इतने बड़े हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दुश्मन के दांत भी खट्टे कर दिए। नाज़रीन कराम, अरब इत्तेहाद ने रद्दे अमल में कहा कि जारहाना हमलों के ज़राए पर नजर रखे हुए हैं और जब्त और तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते भी हौसी बागियों ने जद्दा में अरामको कंपनी के तहत चलने वाले पेट्रोलियम मसनूआत के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को निशाना बनाया था। जनवरी 2015 में हौसियों ने यमनी दारुल हुकूमत सना पर यलगार करके शहर के साथ साथ सदारती महल पर भी कब्जा कर लिया था। यमन की अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल रब्बी मंसूर हादी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से फरार होकर अदन चले गए। इसके बाद हौसियों ने सऊदी सरहद पर वाके यमनी सूबे मेहराब की जाने पेशकदमी की तो सऊदी हुकूमत भी हरकत में आई और हौसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सऊदी अरब को इस कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का फौजी तआवुन भी हासिल था। 100 से जायद सऊदी जंगी लड़ाका तैयारे जबकि दीगर ममालिक के भी दर्जनों तैयारे इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। 2015 से अब तक सऊदी अरब की क्यादत में अरब इत्तेहाद यमन में हौसी बागियों से लड़ रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से खुलकर इल्जाम लगाया जाता है कि हौसी बागियों को ईरान की पुश्त पनाही हासिल है। ईरानी फौज यानी पासदारान इनकलाब के बागियों को ना सिर्फ ट्रेनिंग फराहम करती है बल्कि असला हथियार और पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो सऊदी अरब पर हमले करते रहें। कुछ माह कब्ल ये खबरें भी सामने आई थीं कि हौसी बागियों ने मकामाते मुकदसा पर कब्जे का घनौना मंसूबा तैयार कर लिया है और जल्द वो उसे अमली जामा पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। माजी में भी एक मरतबा बागी हज के अयाम में सऊदी अरब पहुंचे थे और हरम में घुसकर कब्जा किया था, जिसे बड़ी मुश्किल से काफी दिनों बाद इन बागियों के कब्जे से क्लियर कराया गया था। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि आखिर यमन की जंग कब खत्म होगी, वैसे जंग तो न किसी के मफाद में होती है और ना ही किसी मसले का हल होती है। दुनिया के तमाम बड़े मसले खौफनाक तरीन जंगों के बाद भी मुजाकरात की मेज पर ही हल हुए हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन में जारी खाना जंगी के बायस तकरीबन 1,00,000 बच्चे जान से जा चुके हैं, जबकि सऊदी अरब की मईशत को भी भारी भरकम अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वहीं हौसियों को सपोर्ट करने वाली ईरानी हुकूमत की अपनी हालत भी काफी पतली है। जहां तक ताल्लुक है मकामाते मुकद्दसा पर बागियों के हमलों या कब्जे की कोशिश का, तो इस मामले पर पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। पाकिस्तान बागियों तक ये पैगाम पहुंचा चुका है कि मकामाते मुकद्दसा यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेड लाइन है। अगर इन बागियों ने वहां घुसने या हमले करने या लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश की तो फिर बात बर्दाश्त से बाहर होगी, क्योंकि सऊदी सालमियत पर हमला पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाता है, लेकिन मकामाते मुकद्दसा पर कब्जे की कोशिश इस्लामी ममालिक की सालमियत पर हमला तसव्वुर होगा। अब अगर इन्हें पूरी इस्लामी दुनिया से टक्कर लेने का शौक है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। पाकिस्तान किसी भी किस्म की सूरत हाल में सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा है। हिजाज मुकद्दस की हिफाजत हर मुसलमान का ना सिर्फ दीनी फर्ज है बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान तनाज़ा हल कराने में पाकिस्तान कामयाब होता है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की शटअप कॉल के बाद अब बागी रेड लाइन अबूर करने की जुरत नहीं करेंगे।